हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ ही में आप लोग काफ़ी फिट और हेल्दी भी होंगे। आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के हैल्कन सीरीज के ब्लैक ब्रोंज कलर के बारे में। आज की ये वीडियो डिटेल रिव्यू नहीं होगी, सिर्फ इस गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इस कलर की प्राइसिंग, फीचर्स और आपको क्या कुछ नई स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी वो सिर्फ मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप बिल्कुल डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो मैंने पहले से बना रखा है, आप चैनल पर डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो वीडियो है ये हैल्कन सीरीज के ब्लैक और ब्रोंज कलर के बारे में है। प्राइसिंग से शुरू करते हैं तो इसका जो प्राइस एक्स शोरूम है वो है 1,93,120 रुपीज़। RTO इंश्योरेंस बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद आपको कंप्लीट ऑन रोड 2,18,000 रुपीज़ की पड़ जाती है, यानी कि 2,18,000 रुपये की आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी। ये एक मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस बताया। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाय रॉयल एनफील्ड डीलरशिप पर आप विजिट कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइसिंग प्रोवाइड कर देंगे। सीटिंग की बात करें तो आपको देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर से आपको सीट देखने को मिलती है, ये स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया है। हेडलैंड में आपको कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, आपको दो बुलेट पार्किंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। साथ ही में हेलोजन सेटअप में आपको रॉयल एनफील्ड का स्टाइल लेजेंडरी हेड स्टाइल क्लासिक हेडलैम्प देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो बल्ब सेटअप में आपको ऑरेंज कलर के देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर इसके सस्पेंशन की बात करें, हालांकि सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है, वो आप डिटेल रिव्यू मैंने जब बनाया था मैंने उसमें बताया था आपको, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है काफ़ी चेंजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी गाड़ी की जो फिनिश है, जो रफ़ एंड टफ फिनिश थी अब वैसी नहीं है, थोड़ा सा आपको स्मूथ देखने को मिलता है। हैंडल बार भी आप जैसे कि चेकआउट कर पा रहे होंगे। टेल लैम्प की बात करते हैं तो वो भी आपको जो है बल सेटअप में देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी आपको बल सेटअप में ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो इसका एक कलर है काफ़ी अच्छा है। मीटर कंसोल को लेकर बात करते हैं तो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। हालांकि जो इनका ट्रिप मीटर है यानी कि नेविगेशन सिस्टम वाला मीटर है वो सिर्फ आपको क्रोम सीरीज में देखने को मिलता है, बाकी किसी मॉडल में देखने को नहीं मिलता। सीटिंग की मैंने आपको शेयर करी दी, जो सीटिंग क्वालिटी है वो पहले से बेटर करी गई है जिससे आपको और कम्फर्टेबल राइड का आनंद मिल पाएगा। अगर दोस्तों इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको वही सेम 350 सीसी का, टू बी प्रिसाइज 349 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। पावर और टॉर्क की बात करें तो 20.21 पीएस की पावर गाड़ी जनरेट करती है 6100 आरपीएम पर, और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 4000 आरपीएम पर। यह आपको टू वेल सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। किक स्टार्ट का सपोर्ट अब आपको देखने को नहीं मिलता। गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो जे प्लेटफॉर्म में सेम मीटियोर वाला जो कि अभी हाल ही में आपको मीटियोर 350 में देखने को मिला था। टायर साइज की बात करें तो कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिला है, सेम 19 इंच का आपको ट्यूब टायर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, स्पोक व्हील होने की वजह से इसमें आपको ट्यूब स्टॉल इंस्टॉल आता है। 300mm का डिस्क ब्रेक है, डुअल चैनल ABS है। बाकी गाड़ी में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस थे वो कुछ कंपनी ने नहीं किए, थोड़ी सी रफ फिनिश रखने की कोशिश करी। हालांकि जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की बेटर करी गई है पहले से, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड ने इसको थोड़ा सा बेटर बनाया है। पर्सनली मेरा ओपिनियन भी यही है गाड़ी को लेकर कि गाड़ी की जो फिनिश थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव करी गई है, परफॉर्मेंस इंजन की इम्प्रूव करी गई है। हालांकि इन्होंने जो किक स्टार्ट सपोर्ट हटा दिया उससे बहुत सारे यूज़र्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप जब भी रॉयल एनफील्ड लेते हैं, क्लासिक 50 लेते हैं, तो आप लॉन्ग राइड्स करने की प्लान ज़रूर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है। बाकी आपको दोस्तों रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कुछ गाड़ी का कुछ एक क्विक वॉक अराउंड था, रिव्यू तो हालांकि नहीं कहेंगे इसे। अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।